हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और क्रिप्टो बार की मॉर्निंग अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम रोज़ मार्केट का अपडेट लेते हैं, वैसे ही आज भी मार्केट का अपडेट लेंगे। बिटकॉइन और उसके साथ साथ बहुत सारे कॉइन्स हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, तो बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम का यूजर नेम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। टेलीग्राम एंड इंस्टा आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, कॉल्स मिलती रहेंगी, और इंस्टा पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, तो आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन 61,800 अभी चल रहा है और काफ़ी नीचे की तरफ ड्रॉप होने के बाद अभी वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें हल्का सा कल 4 आर के चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, तो मैंने आपको अपडेट दिया था कि प्राइस थोड़ा नीचे ड्रॉप हो सकता है। नहीं हुआ, प्राइस अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन अभी चांसेस हैं कि प्राइस हल्का फुल्का नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। तो उसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली मार्केट में रुके हुए हैं। हल्का फुल्का ड्रॉप आ रहा है अल्ट कॉइन्स में, लेकिन उतना ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं हो रही है अल्ट कॉइन्स, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार अल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई को बैक टू बैक ब्रेक कर रहे हैं। बहुत सारे अल्ट कॉइन्स कट चुके हैं, बहुत सारे अल्ट कॉइन्स अभी बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे सारे कॉइन्स को कवर करेंगे। किन कॉइन्स में आप एंट्री ले सकते हैं, किन कॉइन्स में आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो ये था बिटकॉइन का। बिटकॉइन में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी बात करते हैं पोलकाडॉट की। पोलकाडॉट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अपने ऑल टाइम हाई के, और कभी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आगे निकल सकता है। तो अगर आप लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो एक डिप में आप एंट्री ले सकते हैं, और उम्मीद है पोलकाडॉट काफ़ी ऊपर की तरफ जाने वाला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है पोलकाडॉट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पोलकाडॉट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला कॉइन है। अभी हम बात करते हैं 1 इंच की। 1 इंच काफ़ी ज़्यादा डिप में है, आप लोग चाहे तो 1 इंच को अभी भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको 1 इंच का प्राइस मिलता है अभी कुछ, आप खरीद सकते हैं इसको 3.8 USD पे, और अगर थोड़ा सा और डीप आता है 3.5 पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको 1 इंच में मिल जाएगा। अभी कार्डानो भी अपने बाइंग जोन में है, तो ऐसा ना हो कि कहीं आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कार्डानो बाय कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा और प्राइस ड्रॉप होता है तो फिर कार्डानो का प्राइस आ सकता है। इस सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं हम, $2 के आसपास का इसका सपोर्ट जोन है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी बात करते हैं ऑडियो की। तो ऑडियो काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और अगर इस बार आपको इसमें कोई डिप मिलती है तो आप इसको बाय करना ना भूलें। और अगर ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ है, क्योंकि हमने ऑडियो का टारगेट दिया था बाइंग टारगेट, और बाइंग जोन में था ऑडियो, तो आप ये वाले इसके सेल टारगेट लगा सकते हैं 2.49, 3.11 एंड 3.70। अभी बात करते हैं सोलाना की। सोलाना बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अपने ऑल टाइम हाई के, और ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई सोलाना ब्रेक कर चुका है, और कभी भी बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ राइज कर सकता है और एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी सोलाना को बाय किया हुआ है तो प्लीज़ 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 आप इसमें से एग्जिट करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि सोलाना का प्राइस बहुत 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 ज़्यादा हाई जाने वाला है, तो आप इसमें से बिल्कुल भी एग्जिट ना करें। अभी हम चलते हैं सीधा वजीर एक्स पे, जहाँ पे कुछ कॉइन्स हमारे, जहाँ पे हम INR में इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले खुला हुआ है सेलर। सेलर ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है, और आपसे यही कहूँगा कि सेलर को थोड़ा सा अगर आप होल्ड रखेंगे तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट सेलर दे सकता है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप सेलर से एग्जिट करने की गलती बिल्कुल मत करना, और जितना हो सके डिप में इसको बाय करने की कोशिश करना। मैक्सिमम क्वान्टिटी सेलर की आपको रखनी है। मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिला सकूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट, तो आप सेलर को प्लीज़ 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 थोड़ा सा होल्ड रखें, और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको सेलर में मिल सकता है। WRX भी अभी बाइंग जोन में है, और कभी भी ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ स्पाइक लगा सकता है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक बाय नहीं किया तो आप बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर है तो होल्ड रखें थोड़ा सा। और डॉज के लिए मैंने बोला था कि डॉज एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ राइज हुआ और बहुत दिन से बाइंग जोन में था, और देखिए कितना बढ़िया इसने यहाँ पे एक ही दिन में स्पाइक लगाया। तो अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं डॉज से, तो आप प्लीज़ डॉज में बने रहें अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो अगर एक बार फिर से डिप आती है तो 20.45 के आसपास का प्राइस आ सकता है, तो आप इसको यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं। अभी बात करते हैं वाइट की। वाइट के लिए काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, तो वाइट को आप कहाँ पे बाय कर सकते हैं। वाइट को आप बाय कर सकते हैं, ये इसका बाइंग जोन है 8.1। तो वाइट अगर आपको 8.15 या 8.10 के आसपास मिलता है
तो आप इसको बाय जरूर करें, और अगर और ज़्यादा प्राइस ड्रॉप होता है तो और ज़्यादा इसको बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि वाइट का जो ऑल टाइम हाई है बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 20 से भी ज़्यादा का इसका ऑल टाइम हाई है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आप वाइट में भी गेन कर सकते हैं। तो PNT में अभी आपको एंट्री की मैं नहीं बोलूँगा एंट्री के लिए, क्योंकि PNT ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। अभी बात करते हैं रून की, तो रून बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा USDT में कवर करेंगे। और रून में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इस बार अगर आपको डिप मिलती है तो आप इसमें एंट्री जरूर लेना, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है और इसका ऑल टाइम हाई भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो आप ये ना समझिए कि रून का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और हमें इसमें एंट्री रिस्की है। तो अगर इस बार इसमें कोई डिप मिलती है आपको, अच्छी सी डिप, और कहाँ तक मिलती है वही बताता हूँ, 11.6 या फिर 10.3 और या फिर 9.18। अगर इन प्राइजेस पे आपको कहीं भी रून मिलता है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि रून का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। $20 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, तो इसमें आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। और रही बात DNT की, ऑलरेडी मैं कॉल आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, अगर आपने नहीं अब तक ध्यान दिया है DNT पे तो आप DNT पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि DNT ऑलरेडी बढ़िया बढ़िया स्पाइक लगा रहा है और कभी भी ये ऊपर की तरफ स्पाइक लगा के आपको बढ़िया सा प्रॉफिट दे सकता है। तो DNT को भी आप बाय कर सकते हैं। CKB काफ़ी ज़्यादा डिप में है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं CKB तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि CKB बहुत जल्द वापस ऊपर की तरफ राइज होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये बाय वाला मौका जो है वो निकल जाए, तो मैं नहीं चाहता। अगर आप CKB में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सस्ता प्राइस है और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिटेबल कॉइन है, तो CKB में भी आप एंट्री बना सकते हैं। बात करते हैं कोटी की, कोटी वापस से बाइंग जोन में आ चुका है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है कोटी में, मैं कहूँगा कि 38 का प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है कोटी के लिए, और इससे ज़्यादा नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं हो रहा है कोटी पिछले काफ़ी दिन से। मैंने बोला था 34 तक आ सकता है, लेकिन 37 से ही प्राइस वापस की ऊपर की तरफ लौट गया, और अभी जो लोग कोटी में इंटरेस्टेड हैं वो कोटी को बाय जरूर करें, क्योंकि कोटी कभी भी ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई इसका प्राइस जा सकता है, 50+ इस बार ये जा सकता है, तो आप इसमें एंट्री जरूर बनाएं। अभी बात करते हैं IOST की, IOST में जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो थोड़ा सा होल्ड रखने की कोशिश करें, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने होल्ड रख लिया, थोड़ा सा और रखें, और जो लोग बाय करना चाहते हैं वो अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि IOST बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डिप में है और ये भी जल्दी ही ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगा, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें भी वेट करें। बात करते हैं इथेरियम क्लासिक की, और इथेरियम क्लासिक ने अभी कल परसों डिप ली थी काफ़ी अच्छी और फिर वापस से राइज करना स्टार्ट हो चुका है, तो आप अगर बाय करना चाहते हैं 4316 पर इसको बाय कर सकते हैं, या फिर वापस से अगर आपको 4200 के आसपास मिलता है तो आप यहां पर इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।